उधर आ गई बारिश हो देख सर इधर आइए इधर रवि भाई इधर ही बैठे लाइट थोड़ा कम करना भाई बहुत बर्नआउट हो रहा है एक्सपोजर कम करना अरे एक्सपोजर कम करेगा पीछे का भी चले जाएगा ना भाई कौन कौन छाना बोला अश्विनी पीछे है ना थोड़ा सा वाइट पे अरे अरे यार अरे भाई पहले फोटो निकाल के लेते चलो बारिश है बारिश है अरे आओ ना आगे बढ़ो खड़े होंगे ना थोड़ा साइड में बहुत अच्छा लगेगा साइड में जाओ सेंटर में अरे तो मांगे रहे ना ये समित बस तो भाई हां चले भाई लाइट चमक दो क्या बात है क्या बात है अरे इधर आगे ना 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 करना ना करना ना करना मतलब थैंक यू बोला देखो लाइट चमक ना ना बराबर है लाइट मस्त तो भाई अभी क्या चीज जस्ट आगे जाना उसको आगे जाना भाई आप भाई नीचे हेलो क्यों अरे भाई यार सॉरी सॉरी इधर भी इधर भी फिर से घर पर घर आ जा जल्दी अच्छे से करूंगा तीन चार बार ओके 1 2 3 गो स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स तो यहाँ तो एक्शन भी है और वर्ड्स भी है हम लोग आप देख सकते हैं हम वाइट टाइगर वाइट लाइट ठीक है चलें आगे ठीक है सो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं हमारी मूवी रिलीज हो रही है 15 को और आज हम यहाँ आए हैं प्रमोट करने और ऑडियंस से क्या अपील करेंगे ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हो रही है इंडिपेंडेंस डे का मौका है और ऐसी सिचुएशन में आप अपने फैंस से क्या जो है करेंगे देखिए हमेशा आई मीन आप हमेशा अपने काम की यू नो आप तो कह चाहेंगे कि आपका जो काम है आपकी जो पिक्चर है पूरी दुनिया जाके देखें मैं एक अपना व्यक्तिगत मेरे अनुभव से ये कहूँगा कि मेरा ये जो पिछला 2 साल है इस 2 साल में मेरे में जो सुधार परिवर्तन जो मैंने चीज़ें सीखी हैं इन दिग्गजों के साथ वक्त बिता के विनीत भाई सनी अक्षय सर कुणाल है नहीं और भी कास्ट जो है हमारे डायरेक्टर रीमा मैंने मेरे लाइफ का मुझे ऐसा लगता है बेस्ट 2 साल रहे हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस पिक्चर में कुछ स्पेशल है एक मोहब्बत है हम सब की एक प्रयास है हम सब का जो मुझे ऐसा लगता है सबको अच्छी लगेगी अक्षय कुमार के साथ आप लोगों का एक वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे किस तरीके के एक्टर हैं उनके साथ जो काम करने का आप लोगों को मौका मिला जी इस फिल्म में वो अक्षय सर किस स्टैचर के एक्टर हैं ये हम सब जानते हैं तो वो मुझे आई थिंक किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है वो बहुत महान है
अब क्योंकि उनके साथ पर्सनली काम करने का मौका मिला, वो एक बहुत अच्छे इंसान है, एक जेंटलमैन है, और हम सबका बहुत साथ दिया है, हम सबको बहुत मेंटोर किया है, और हम सब बहुत आभारी हैं उनके। हर्ष, अपना इस फिल्म के बारे में जो है कुछ पॉइंट्स बताएंगे, किस तरीके की फिल्म है ये फिल्म? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये फिल्म सिर्फ हॉकी की फिल्म नहीं है, ये फिल्म बहुत सारी चीज़ें कहती है, और बहुत बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से ये फिल्म खास है। जैसे ओलंपिक, आज़ाद भारत का पहला गोल्ड हॉकी की वजह से आया है, ये फिल्म कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है। ये फिल्म पूरे देश को एक साथ जोड़ देती है, क्योंकि फिल्म में वो बात है, आज़ादी के पहले भारत ने 3 गोल्ड मेडल हैट्रिक जो हुआ था 36 में वो हुआ था, लेकिन जब झंडा लहराया था और जो नेशनल एंथम बजा था सनी, वो ब्रिटिश इंडिया का था, और वो जब शूट हो रहा था तो हम सभी लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। इन ये लोग बाद में आते हैं उस फिल्म में, और फिर जब 48 वो जो सपना देखा था, वो सपना जब पूरा होता है तो वो फीलिंग अलग ही है, और इन लोगों ने तो बहुत मेहनत की है। तो ये फिल्म में बहुत कुछ खास है। मेरे कैरेक्टर का नाम इम्तियाज़ शाह है, और आप रघुवीर प्रताप सिंह, आप हिम्मत सिंह। तो हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं, अच्छा रहा। 18 अगस्त से एशियन गेम्स शुरू होने वाला है, हमारे देश के कई सारे जो है खिलाड़ी गए हैं वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए, तो आप लोग क्या विश करना चाहेंगे बीइंग अ गोल्ड फिल्म की टीम की तरफ से? मैं शुभकामना देना चाहता हूँ भारतीय टीम को। प्लेयर्स बहुत मेहनत करके किसी ऐसे कंपटीशन के लिए खुद को तैयार करते हैं, और उस मेहनत और उनके सपने को ऊपर वाला साकार करे, मैं ऐसी दुआ करता हूँ। सर, देखा जाए तो हॉकी टीम जो है, जो भी हॉकी है, ये टोटली पीच के ऊपर डिपेंड करता है, कितना प्रैक्टिस करना पड़ा आप लोगों को? प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ी है, और सब लोगों ने बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस की, कमर तोड़ी है, बिकॉज अब एक्सरे लोगे ना मेरी कमर का, अभी भी टूटी हुई है। इसमें ना एक और चीज़ है कि जो ये हॉकी खेली जा रही है, इसमें अभी हॉकी बहुत फास्ट हो गई है, अभी टर्फ पे हॉकी खेली जाती है, ये जो हॉकी है फील्ड हॉकी इसकी ब्लेड हॉकी की बहुत बड़ी होती है, और ग्रास पे बॉल को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, हॉकी स्टिक्स भी छोटे होते हैं। एग्जैक्टली, हॉकी स्टिक्स नियम रूल्स काफ़ी अलग थे, करेक्ट, कि जैसे हम लोगों को ये फिक्स करना पड़ता था कि जैसे जब मैं सिखाता था हिम्मत को फिल्म में, तो ये कि हॉकी कंधे के ऊपर ना जाए, ये नियम थे। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी थी जो हमें फिक्स करनी पड़ी है, और या सारी तैयारियां आसान नहीं थी, काफी मेहनत हुई है। सब आप पूछ लोगे तो पिक्चर क्या देखोगे, कुछ तो देखने के लिए रख लो। अक्षय कुमार, मौनी रॉय भी नहीं दिख रही यहाँ पे। देखिए, कई स्मारक हैं, ऐसे कई सारी इमारतें हैं हमारे देश की, जैसे ये एक खास इमारत है, आप देखिए ये सजा हुआ है आज गोल्ड के मौके पे, वैसे ही और भी जगह है, सब जगह गोल्ड की टीम कोशिश कर रही है पहुंचने की। तो अक्षय सर किसी दूसरी जगह, देखिए अभी तो एक गोल्ड ये है, ऐसा नहीं है, आज अच्छी बात करो, बहुत आते हैं गोल्ड, क्या बात करो, लास्ट कॉमनवेल्थ आपने देखा कितने गोल्ड आए, गलत सवाल है, ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं। आएंगे और आएंगे यार, पॉजिटिव बातों को उठाओ यार, तैयारियां होती हैं, ये सारी चीजों में वक्त लगता है, और बिल्कुल आएगा, बदलेंगी चीजें, कि आज अगले 3-4 दिन के लिए जो अच्छा कर रहे हैं हमारी सरकार, हमारी फौज, हमारे पुलिस, हमारे लोग, आपके मोहल्ले के लोग, पिता, माँ, दोस्त, जो अच्छा कर रहे हैं, मेरा ये सबसे आग्रह है, अगले 5-6 दिन उस अच्छे की बात करते हैं, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं आया, कुछ एक हफ्ते के लिए भूल जाते हैं भाई। एक सवाल कि आप लोग एज अ प्लेयर वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो एक प्लेयर जब मैदान में उतरता है रियल लाइफ में, तो उसे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पर एज अ एक्टर प्लेयर दिखाने के लिए खुद को कितनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी, और किस तरह से क्या ऑफ कैमरा भी प्रैक्टिस होती थी क्या? जी ऑफकोर्स, अभी हॉकी हम लोग को तो विनीत भाई को तो आती थी थोड़ी बहुत, बट सनी हो, मैंने तो जिंदगी में हॉकी नहीं पकड़ी थी, मैंने तो कुछ भी नहीं पकड़ा था, मैं बिल्कुल भी एथलेटिक नहीं हूँ, यू नो, एंड रीमा जो हमारी डायरेक्टर है, डे वन से उन्होंने कहा था कि जो जिस स्टाइल हॉकी का जो लेवल है इंटरनेशनल होगा, और यहाँ हम गोल्ड की बात कर रहे हैं कि ये कितने दिग्गज थे ये लोग, ये गोल्ड लेके आए, तो जाहिर सी बात है कि जब हम आप मैदान में हॉकी हमारी देखेंगे तो उसको अच्छा होना चाहिए। इस वक्त ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, हमने मेहनत बहुत की है, बट मैं ये चीज़ दर्शकों को और आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप 15 अगस्त को पिक्चर देखिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पिक्चर और जिस लेवल का हॉकी
दिशाया गया है और हमने खेला है, सीखा है, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अरे वाइट लेना, थोड़ा फुल लेना, लेने दे दादा, थोड़ा साइड में आ जाओ ना।